हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. दिस इज निधि ध्रुव, अ लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी. आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ एन एकेडमी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय टुडेज क्लास ऑफ न्यूज़पेपर एनालिसिस. सो गाइज, हर्षिता वॉज आस्किंग, मैम आप कहाँ हो कहाँ हो. तो बेटा लेट हो जाता है, 5-10 मिनट आगे पीछे पकड़ लेने का, ठीक है. बट क्लास होता ज़रूर है ये वाला, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे रेगुलरली 10:15 से 10:30 के बीच में मैम आई जाती है. सो डोंट वरी, ठीक है. ओके, सो मंडे टू सैटरडे रोज़ मैं ये सेशन मॉर्निंग में लेके आती हूँ. अराउंड 10:15, 10:30 ये क्लास चालू होती है. 45 मिनट्स का सेशन होता है रोज़ आप लोग के लिए. ओके, डेली बेसिस पे मैं सेशन लाती हूँ, आप लोग को भी डेली अटेंड करना चाहिए. एंड करंट अफेयर्स ऐसा चीज़ है कि आप डेली अटेंड करोगे तो ही फ़ायदा करेगा, वरना कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, सो इट विल नॉट बेनिफिट यू. सो बेसिकली एवरी डे स्टडिंग करंट अफेयर्स एंड अपडेटिंग योर करंट अफेयर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइज. सो रोज़ अपडेट करने के लिए क्या करोगे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को सो दैट यू वोंट मिस एनी ऑफ द सेशन. सारे के सारे सेशन आपके अच्छे से अटेंड हो जाएंगे. ओके, आज 20th October है, वेनसडे का दिन, एंड आई एम बैक अगेन विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन फॉर यू गाइज. ये जो सेशन है, ये सेशन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल द लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स एज वेल एज कोई और एंट्रेंस आप दे रहे हो, जैसे कि UPSC या बैंकिंग एग्जाम, तो उसमें भी आपको ये सेशन बहुत काम लगेगा. करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हो अगर, तो ये सेशन काफ़ी काम लगेगा, ठीक है. हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो. सो दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी यूजफुल इन लाइक मल्टीपल वेज. जैसे कि मैं आपको, इंग्लिश आपका अच्छा होगा, द हिंदू न्यूज़पेपर का जो लैंग्वेज है इट्स सुपर्ब. सो योर लैंग्वेज एंड योर वोकैबुलरी विल इम्प्रूव सो मच. ओके, देन लीगल रीजनिंग में कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी मैं बताती रहती हूँ, ये सेकेंड बेनिफिट हुआ. ऑफकोर्स आपका करंट अफेयर्स तो अपडेट हो ही रहा है, तो वो तो है ही, थर्ड फायदा. फोर्थ वन, नोट्स मेकिंग में भी आपको हेल्प होता है ये सेशन से, ठीक है. सो नोट्स भी आपको कैसे बनाने, कौन से बनाने, कौन से वाले न्यूज़ के नोट्स बनाने, ये सारी चीज़ मैं बताती हूँ. स्टार मार्क करती हूँ जो न्यूज़ के बाजू में, वो न्यूज़ की नोट्स बनानी होती है आपको, तो उसमें फ़ायदा हुआ. फिफ्थ फ़ायदा मैं अगर बताऊँ तो आपको पूरा एनालिसिस मैं 45 मिनट्स में कंप्लीट करा लेती हूँ. स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम हम खुद से पढ़े तो 2-3 घंटा निकाल लेते हैं पूरे सेशन इसके पीछे, न्यूज़पेपर के पीछे, क्योंकि आप लोग को मैं ये ईजी बना देती हूँ कौन से न्यूज़ को पढ़ना डिटेल में, कौन से न्यूज़ को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना, कौन से न्यूज़ को बिल्कुल भी स्किप कर देना, ये सारी चीज़ आपको इधर पता चल जाती है, तो ये बेस्ट हो जाता है 45 मिनट्स में पूरा सेशन. तो इतने सारे फ़ायदे हैं ये एनालिसिस सेशन के, तो आप खुद तो रोज़ अटेंड कीजिएगा ही, और साथ साथ में यू शेयर अबाउट दिस सेशन विथ ऑल द पॉसिबल सोर्सेज, लाइक आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं, नेबर्स हैं, सभी के साथ शेयर अबाउट दिस क्लास. ओके, जल्दी से आपके फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी सब पे डाल दीजिए. एंड मैं मीनवाइल हमारे न्यू स्टूडेंट्स को मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. आप लोग सारे रेगुलर वाले स्टूडेंट तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, राइट गाइज. ओके, सो गाइज, आई एम निधि ध्रुव, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी. आई एम हैविंग 8+ years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम. आई वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद IMS लर्निंग रिसोर्सेज. आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद CSN कॉस्ट अकाउंट इंस्टीट्यूट, वेर आई टीच लॉ सब्जेक्ट्स टू CSN कॉस्ट अकाउंट स्टूडेंट्स. एंड आई रियली लव इंटरेक्टिंग विद ऑल द लवली स्टूडेंट्स लाइक यू एंड शेयरिंग माई नॉलेज. सो या, दैट्स मी. ओके, हम लोग आज क्या कर रहे हैं, हम लोग आज न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं गाइस, ठीक है. आप अपनी स्क्रीन पे अभी जो ये फीचर्स देख रहे हो, दीज आर अन अकेडमीज फीचर्स. अन अकेडमी ये जो प्लेटफॉर्म है, अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन टुडेज डेट, ट्रस्ट माई वर्ड, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म है. दो टाइप की क्लास होती है प्लेटफॉर्म पे, फ्री वाली, पेड वाली. अगर आपने अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया है अन अकेडमी, तो आपके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाइए, डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप फॉर फ्री. ओके, एंड साइन अप,
साइन अप करने के लिए, एंटर करने के लिए कोड पूछेंगे. यू कैन यूज़ माई कोड निधि लाइफ, कोई पैसा वैसा नहीं लगता उसमें. निधि लाइफ कोड यूज़ करके अंदर जाइए. फिर दो टाइप की क्लास देख सकते हो, फ्री वाली, पेड वाली. फ्री वाली क्लासेस को हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं अनअकैडमी पे. तो स्पेशल क्लासेस जो होता है वो देख के आपको समझ में आता है एडुकेटर का टीचिंग कैसा है, आपको सब समझ रहा है नहीं समझ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पता चलती है, ठीक है. एंड पेड वाली क्लासेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तभी जाके ये बैचेस होती है पेड वाली. तो इसको आप एक एक एडुकेटर के पास पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा. तो ये बैच जैसे 2023 एस्पिरेंट्स के लिए चालू हो रहा है 22 तारीख से, 2022 एस्पिरेंट के लिए ये बैच चालू हो रहा है 20 तारीख से, दैट इज़ आज से, ओके, वेनसडे है, आज से बैच चालू हो रहा है. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये प्राइजेज हैं, अभी तो सिर्फ EMI प्राइजेस बताया है, मेन प्राइजेस आपको पता चल जाएगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे. 9 months का भी हमने ऑफर निकाला है, 10% डिस्काउंट के लिए, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा ये प्राइस पे अगर आप मेरा कोड निधि लाइव यूज़ करते हो. तो ये कोड मत भूलना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, निधि लाइव, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है. देन आई वॉज टॉकिंग अबाउट स्पेशल क्लासेस. तो रोज़ मेरी कोई ना कोई स्पेशल क्लास होती रहती है, दैट इज़ फ्री वाली क्लास. तो आज मेरी कौन सी स्पेशल क्लास है? आज मेरी स्टैटिक GK की क्विज़ है 2 से 3 बजे आफ्टरनून में, 2 to 3 PM स्टैटिक GK क्विज़ करवा रही हूँ मैं, ठीक है. लैब क्विज फीचर सब भी लोग ज़रूर यूज़ कीजिए. आई होप यू लैड वीकली T20 टेस्ट आप लोग दे रहे हो. आज जैसे वेनसडे को लॉजिक का है 20 मिनट का क्वेश्चन, 20 मार्क 20 मिनट का टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है. एंड ये जो चैनल जिस पे आप मुझे अभी देख रहे हो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, एंड कमेंट कीजिए हमारी वीडियो पे कैसी लगी, एंड लाइक एंड शेयर भी कीजिए, सो दैट थोड़ा प्यार थोड़ा मोटिवेशन दिखाओ मुझे, ठीक है. ओके गाइज, सो अभी एनालिसिस में आज क्या क्या है. द हिंदू न्यूज़पेपर 20 अक्टूबर वेनसडे के दिन का आज हम मैं लेके आई हूँ दिल्ली एडिशन, और विच ऑल न्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेट अस स्टडी. आसिफ इज आस्किंग मैम नोबेल प्राइज़ वाला वीडियो कब बना रहे हो. सो आसिफ बहुत ही जल्दी, लाइक जस्ट गिव मी 1-2 डेज मे बी और हो जाएगा. मैं प्लान कर रही हूँ कि यूट्यूब एज वेल एज स्पेशल क्लासेस का साथ में रख के उसे लाइव करूँ और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को फ़ायदा दूँ उसका, ओके. सो हम लोग ऐसे मैं प्लान कर रही हूँ. उर्वशी इज आस्किंग इफ आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फ्रॉम सेप्टेम्बर मैम, कैन आई क्लियर क्लैट विद गुड रैंक. यस, 6 months में भी लोग क्लैट क्रैक कर लेते हैं, ठीक है, बट उसके लिए हार्डवर्क बहुत ही अच्छा खासा करना पड़ेगा. इसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्लास मैंने की थी एक, कि कैसे आप 6 महीने में पूरा क्लैट पढ़ पाओगे, मतलब क्लैट क्रैक कर पाओगे और पूरा सिलेबस कर पाओगे. तो उसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी क्लास की थी, आप ज़रूर देखिएगा उसे उर्वशी. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. ओके, ऑलराइट, सो उत्तराखंड फर्स्ट न्यूज़ आज का इम्पॉर्टेंट है और बड़ा ही ख़राब न्यूज़ है. मतलब अक्टूबर महीना चल रहा है गाइस, कैन यू बीट दैट. अक्टूबर महीने में उत्तराखंड में केरला में इतने ख़राब तरीके से रेन, जिसमें लोग मारे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 27 लोग मारे गए उत्तराखंड में. आप देख सकते हो पिक्चर से, आपको पता चलेगा. कैन यू सी दिस पिक्चर, उत्तराखंड में किस तरीके से पूरा रिवर ओवरफ्लो हो रहा है. सो उत्तराखंड में बारिश के वजह से टोल टच हुआ है, डेथ टोल 47. मोस्ट रिवर्स इन स्पेट, कुमाऊं वर्स्ट हिट. कुमाऊं जो है वो डिस्ट्रिक्ट बहुत ख़राब तरीके से हिट हुआ है. एक्सेस टू बैटर्ड नैनीताल रिस्टोर. सो जो नैनीताल तरफ जाने का रास्ता था वो बंद हो चुका था, अभी कल शाम को ही वो रास्ता रिस्टोर किया है. गाइस मेरे पीछे आप लोगों को कुछ आवाज़ आएगी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ फॉर अ वाइल. मतलब जो पेस्ट कंट्रोल करने आते हैं ना बिल्डिंग में, वो धुआँ छोड़ के सब इंसेक्ट्स वगैरह चले जाते हैं, वो चीज़ हो रहा है. तो मैं इसको तो बंद नहीं करवा सकती हूँ, तो 2 मिनट आएगा आवाज़, प्लीज़ एक्सक्यूज़. सो उत्तराखंड में ऐसी ख़राब हालत हुई है, सो जस्ट ध्यान में रखिए. इसको लिखना नहीं है नोट्स में, बट बहुत ख़राब
अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लास्ट ईयर भी उत्तराखंड में फेब्रुवरी में पूरा ग्लेशियर बर्स्ट हुआ। अभी ये उत्तराखंड में ये है, तीन चार साल पहले फ्लड्स आ गए थे। सो पता नहीं क्या हो रहा है, उत्तराखंड तो ऐसे देवभूमि मानी जाती है, पर ये जगह पे क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, मैनी पीपल येट टू गेट सेकेंड डोज से सेंटर। सो बहुत सारे लोगों को अभी भी सेकेंड डोज लेना बाकी है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सर्वे में बताया है। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। I'm so sorry guys. अभी आवाज आई थिंक आपको कम आ रहा होगा, मैंने विंडो बंद कर दी है। मुस्कान सिंह मैम इन मुंबई एडिशन द उत्तराखंड फ्लड न्यूज इज इन देयर। तो बेटा कोई ना कोई और पेज पे होगी, बट है सही ऑफकोर्स, उत्तराखंड में ये सिचुएशन है, ये गलत नहीं है। ओके, मैनी पीपल येट टू गेट सेकेंड डोज, सेंटर ने ये बताया है। सो गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव मोर डोजेज टू स्टेट्स टू स्टेप अप ड्राइव। ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है हम स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा डोजेज देंगे, जिससे काफ़ी लोग सेकेंड डोजेज जल्दी से लेना स्टार्ट करें। सो ओनली अबाउट 30.4% इंडियाज एडल्ट पॉपुलेशन हैज़ रिसीव सेकेंड डोज, ऐसा सर्वे में बाहर आया है। और हर स्टेट वाइज भी आप देख सकते हो, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कितने कितने लोगों ने लिया है। तो बहुत कम लोगों ने, आई वुड से सबसे हाईएस्ट तो गुजरात में ही लिया हुआ है सेकेंड डोज, दो दो डोजेज सब ने। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट वी विल नॉट राइट इट, हम एग्जाम में नोट्स नहीं बनाने हैं इसकी। ओके, अनदर पॉलिटिकल न्यूज, अमरिंदर, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो अपनी खुद की अलग पार्टी बना रहे हैं। सो ही रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ CM जस्ट लाइक लास्ट मंथ, एंड लास्ट मंथ उन्होंने रिजाइन किया एंड सेड कि मुझे लिटरली ह्यूमिलिएट किया गया है कांग्रेस में, और इसके वजह से मैं अभी ये पार्टी भी छोड़ रहा हूँ। एंड नाउ ही इज़ लॉन्चिंग अ न्यू पार्टी ऑफ हिज ओन। ओके, एंड ही सेज कि BJP के साथ भी मैं अलायंस करने वाला था, आई मीन कर सकता हूँ अभी भी, प्रोवाइडेड BJP का फार्मर्स के साथ जो इश्यू है वो रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि फार्मर्स के तरफ से वो काफ़ी सपोर्ट में है, फार्मर्स के लिए काफ़ी सपोर्ट में है कैप्टन अमरिंदर। सो फार्मर्स के साथ का इश्यू अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजॉल्व हो जाता है BJP का, तो मैं BJP के साथ भी जुड़ने में रेडी हूँ, ऐसा अमरिंदर बोल रहा है। तो कैप्टन अमरिंदर टू लॉन्च ओन पार्टी, ओपन टू सीट अरेंजमेंट विद BJP इफ फार्मर्स इश्यू रिजॉल्व। तो अलायंस कर लेंगे बाद में BJP के साथ, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो हमने काफ़ी दिनों से हम ये न्यूज़ देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो सिविलियंस है, मिलिटेंट्स है, सब सिविलियंस है, आर्मी जवान से सबको मारा जा रहा है। काफ़ी JNK में मिलिटेंट्स, टेररिस्ट मिलिटेंट्स लोगों को टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली माइनॉरिटी ग्रुप्स को और माइग्रेंट वर्कर्स वगैरह को। तो ऐसे सिचुएशन में सब लोग भाग रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से। सो किलिंग्स स्पार्क माइग्रेंट फ्लाइट फ्रॉम JNK, वो लोग बोल रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर से हम भागना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो लोग बिस्तरा पोटला पूरा लेके भाग रहे जम्मू एंड कश्मीर से। सो बिकॉज ऑफ द किलिंग्स माइग्रेंट पीपल आर फ्लाइंग अवे फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सिक्योरिटी टाइटन अराउंड रेलवे स्टेशन एंड बस स्टॉप्स, तो बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पे भी सिक्योरिटी टाइट की गई है, सो दैट लोग भागते हुए भी उसको मार ना डाले मिलिटेंट्स। सो दैट्स द थिंग। सो ये सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे हमारे फ्रंट पेज से। आगे कौन से और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है देखते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट है वो बड़े पसंद आए हैं, बिमल पटेल उनका नाम है। तो मिस्टर बिमल पटेल जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, मतलब हमारी पूरी
हमारी पूरी जो सेंट्रल विस्टा पूरा पार्लियामेंट बिल्डिंग और वो सब जो उसका रिनोवेशन चल रहा है, उसमें उसको जो उसके जो आर्किटेक्ट है बिमल पटेल, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम भी उनको हायर करेंगे और सब स्टेट को पूरे डिज़ाइन करने के लिए, तो उनका काम रियली रियली अच्छा है। सो कंपनीज एक्सपीरियंस इन पब्लिक बिल्डिंग्स कमेंडेबल, सो पब्लिक बिल्डिंग्स बनाने में उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, इसलिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये जो पेस्ट कंट्रोल का धुआं है, मेरा एक विंडो खुला रह गया, उसमें से आ रहा है एंड वो मेरी सांस में जा रहा है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट शट द विंडो। ओके गाइस, आई एम बैक, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नई सृष्टि, आज फ्रंट पेज से कोई भी न्यूज़ नहीं लिखनी है बेटा। ईशा सिंह मैम, बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, मैंने बताया था ईशा ऑलरेडी, आई थिंक यू यू डिडंट ज्वाइन, आई थिंक आपने ज्वाइन नहीं किया होगा। सो मेरी बिल्डिंग में पेस्ट कंट्रोल हो रहा है, पेस्ट कंट्रोल एज इन हमारे जो, आई लिव इन मुंबई, हमारे जो BMC, हमारी जो म्यूनसिपाल्टी यहाँ की, वो थोड़े हर हर 15 दिन में, महीने में एक बार आके एक यू नो स्मोक के थ्रू पूरा धुआं छोड़ के जो पेस्ट होते हैं उसका निकाल करने की ट्राई करती है, ठीक है, वो धुआँ छोड़ के, तो उसका आवाज़ है। आई कैन नॉट हेल्प, मैं BMC वालों को नहीं बोल सकती कि इधर से जाओ। सो वो जब तक मेरी बिल्डिंग में फैला रहे धुआँ, वो आएगा नो वॉइस। ओके ऑलराइट, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं इम्पोर्टेंट कौन सी है। एडिटोरियल पेज पे हम आ चुके हैं, दोनों ही आज के एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है और हम पढ़ेंगे उसे। ट्रबल इन बांग्लादेश, सो वेल इंडिया वॉइसेस कंसर्न ऑन अटैक्स, इट शुड नॉट अपियर रिलीजियसली पार्टिसन। सो बांग्लादेश में काफ़ी ट्रबल है अभी, इवन यूनाइटेड नेशन बोल रहा है कि वो अटैक्स जो है बांग्लादेश में ख़त्म होने चाहिए, बंद होने चाहिए। सो इंडिया भी अपना कंसर्न वॉइस कर रहा है, बट उनको फिर भी रिलीजियसली पार्टिसन नहीं होना चाहिए कि हिंदू लोगों को बचाओ, मुस्लिम को मत बचाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। द यूनाइटेड नेशंस, US एंड इंडिया have condemned incidents of majoritarian violence against Bangladesh's Hindu minority community during Durga Puja in past few days. So Durga Puja जब भी चल रहा था, Hindus are in minority in Bangladesh. Hindu minority को उनके against violence हो रहा था by majoritarian कौन है, Islam public वहाँ पर, ठीक है। So what is particularly worrying is that attacks which have left at least 6 people dead and dozens injured. इसमें 6 लोग मारे गए हैं and dozens of them are injured. तो USA, United Nations और India सब ने concern दिखाया अपना इस चीज़ के तरफ, and it have followed according to the government fake news reports shared over social media indicating a conspiracy to instigate the violence. और इसमें even government, Bangladesh government तो बोल रही है कि social media पे fake news भी फैलाए जा रहे हैं so that you know और वायलेंस इंस्टिगेट हो। द मॉब वायलेंस अपियर्स टू हैव बिगन इन कोमिला इन चित्तगोंग डिस्ट्रिक्ट वेर एन इमेज अलेजिडली शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू कोरन वो सर्कुलेटेड। तो चालू कैसे हुआ ये बांग्लादेश का इंसिडेंट, तो एक मॉब वायलेंस चालू हुआ जब ही कोमिला में चित्तगोंग डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एक इमेज जिसमें कुरान का डिसरिस्पेक्ट, कुरान का डिसरिस्पेक्ट किया गया था, वैसा इमेज फैलाया गया और उसी वही बात से फिर वायलेंस चालू हुआ।
and resulted in several major mob attacks on Hindu temples and homes belonging to minority community. So किसी ने ऐसा कुरान का डिसरिस्पेक्ट वाला एक इमेज फैलाया और उसकी वजह से लोग फिर हिंदूज पे अटैक करने लगे उनके टेम्पल्स और घरों पे. द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विच हैज सॉट टू प्रिजर्व गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश शेख हसीना गवर्नमेंट हैज ऑल्सो प्रेज द अथॉरिटीज फॉर मूविंग क्विकली टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. सो मोदी जी गवर्नमेंट जिसका अच्छा रिलेशन है बांग्लादेश की गवर्नमेंट और शेख हसीना के साथ, उन्होंने प्रेज किया कि उन्होंने अच्छे से कंट्रोल किया है सिचुएशन का. According to police, more than 450 people have been arrested over the past week of violence and more than 70 cases filed in different parts of Bangladesh. तो पुलिस ने 450 लोगों को अरेस्ट किया है, 70 केसेस फाइल किए इस चीज़ के लिए. Prime Minister Sheikh Hasina has promised strict action and sought to reassure minorities during an address via video conference to Hindu devotees at the Dhakeshwari National Temple. So शेख हसीना ने प्रॉमिस किया है कि हम लोग आपको जस्टिस दिलाएंगे और जो भी जिसने भी गलत किया उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी. उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया फॉर हिंदू डिवोटीज जो धकेश्वरी नेशनल टेम्पल में है उनके लिए. इन अ मैसेज फॉर न्यू दिल्ली शी ऑल्सो सेड दैट बांग्लादेश इज बिग नेबर मस्ट बी सेंसिटिव टू द सिचुएशन. सो ऑफकोर्स दिस इज़ अ हिंदू स्टेट, हम बोलेंगे मेजॉरिटी हमारा जो पॉपुलेशन है इट्स हिंदू इंडिया का. सो शेख हसीना ने अपने स्पीच में ये बताया कि बांग्लादेश का बड़ा नेबर जो है दैट इज़ इंडिया ऑफकोर्स, वो काफ़ी सेंसिटिव होगा ये सिचुएशन पे क्योंकि हिंदूज को मारा जा रहा था वहाँ पे. एंड अल्यूडिंग टू वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन इंडिया एज द नथिंग इज डन देयर दैट अफेक्ट्स आर कंट्री. सो उधर ऐसा कुछ नहीं किया गया है जिससे हमारी कंट्री को अफेक्ट करे. तो ये चीज़ के मतलब इंडिया से रिलेटेड नहीं है बांग्लादेश का वायलेंस, उन्होंने वो क्लियर किया. इंडियन हाई कमीशन इन ढाका विच वॉज इन टच विद लॉ एंड ऑर्डर ऑफिशियल्स एट द सेंटर ऑल्सो स्टेप्ड इन टू मीट विद मेंबर्स ऑफ द बांग्लादेश हिंदू कम्युनिटी इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इस्कॉन ग्रुप दैट वॉज अटैक्ड. सो इंडिया का हाई कमीशन जो है ढाका में, वो हमारे इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर ऑफिशियल्स के साथ कनेक्ट किया और बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है जिसमें इस्कॉन ग्रुप, इस्कॉन इज़ अ वेरी वेरी बिग ग्रुप फॉर यू नो इट्स अ कृष्णा टेम्पल और उनका पूरा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक बड़ा ग्रुप है. तो इस्कॉन ग्रुप पे भी जब ये अटैक किया गया था तो उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी मिले इंडियन हाई कमीशन वाले. द इस्कॉन हेडक्वार्टर्स इज इन वेस्ट बंगाल एज वेल एज बीजेपी लीडर्स ऑल्सो कॉल्ड ऑन मिस्टर मोदी टू पर्सनली इंटरवीन. और इस्कॉन के हेडक्वार्टर्स जो वेस्ट बंगाल में है, उन्होंने और बीजेपी लीडर्स ने भी मोदी जी को इसमें बीच में इंटरवेंट करने के लिए बोला कि इनको कुछ ना कुछ इसमें एक्शन लेनी चाहिए. गिवन द सीरियसनेस ऑफ अटैक्स एंड द फियर दैट हैज ग्रिप द हिंदू माइनॉरिटी इन बांग्लादेश द इंटरनेशनल एंड इंडियन कॉन्सर्न इज नॉट सरप्राइजिंग. हाउएवर न्यू दिल्ली विल हैव टू एक्ट कॉशियसली इन लाइट ऑफ ऑल द वेरियस लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. सो ये अटैक्स ही और सीरियसनेस समझे हिंदू माइनॉरिटी पे जो अटैक्स किए गए खास करके, तो इंटरनेशनल और इंडियन लेवल पे इसका कंसर्न तो ऑफकोर्स होगा ही होगा. इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि सबको कंसर्न है, ऑफकोर्स होगा. बट न्यू दिल्ली को जो भी रिएक्ट करना है बहुत कॉशियसली करना चाहिए क्योंकि अलग अलग लिंक्स है बांग्लादेश से हमारे, तो उसमें बहुत कॉशियसली रिएक्ट करना ज़रूरी है. वेल इंडियन हाई कमीशन एक्ट ऑफ मीटिंग लोकल माइनॉरिटीज कम फ्रॉम अ सेंस ऑफ कंपैशन इट कुड बी रेड एट एज एन एक्ट ऑफ इंटरफियरेंस. सो इंडियन हाई कमीशन का एक्ट जो था लोकल माइनॉरिटीज़ हिंदू माइनॉरिटीज़ को वहाँ पे मिलने का, इट्स अ गुड एक्ट, बट फिर भी उसको इंटरफेरेंस के तौर पे देखा गया. ओके, द इम्पैक्ट ऑफ CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इन 2019 हैड अ वाइड स्प्रेड इफेक्ट इन बांग्लादेश. ऑफकोर्स CAA जो एक्ट पास हुआ उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा था बांग्लादेश पे. एटलीस्ट 12 पीपल वर किल्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट मोदीज विजिट टू ढाका अर्लियर दिस ईयर. तो 2021 में मोदी जी ने जब विजिट किया ढाका में तो उसमें भी 12 लोग मारे गए वहाँ वायलेंस में. एज अ रीजनल लीडर इंडिया हैज एवरी राइट टू बी कंसर्न अबाउट प्लाइट ऑफ कम्युनिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट. हाउएवर इट मस्ट इंश्योर दैट इट्स डोमेस्टिक ड्राइवर्स डू नॉट अपसेट केयरफुली बिल्ट फॉरन रिलेशन. सो ऑफकोर्स रीजनल लीडर है, हिंदू हमारे यहाँ मेजॉरिटी में है और ऑफकोर्स इंडिया कंसर्न होगा अगर हिंदू माइनॉरिटीज़ पे हो रहा है वहाँ पे अटैक,
बट फिर भी हमें बहुत कॉशियसली एक्ट करना चाहिए क्योंकि फॉरेन रिलेशंस खराब नहीं होने चाहिए. एंड एनी एक्ट दैट इज सीन एज रिलीजियसली पार्टिसन इज बाउंड टू डीस्टेबलाइज द अदरवाइज क्लोज एंड प्रोडक्टिव रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज. सो अगर पार्टिसन ग्रुप, पार्टिसन का मतलब ये होता है कि हम एक रिलीजियस ग्रुप को फॉलो को महत्व दें या हम इम्पोर्टेंस दें, तो वो अगर हुआ तो डीस्टेबलाइज हो सकते हैं जो रिलेशन हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ हैं. विच हैव शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ओवर मच ऑफ पास्ट 50 ईयर्स. सो ऑलमोस्ट 50 साल से बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हो गए हैं इंडिया के साथ. पहले के 20 साल हम अलग रख देते हैं इंडिपेंडेंस के बाद के, और लास्ट 50 साल से अच्छे खासे रिलेशन रहे हैं बांग्लादेश के साथ. सो वो ख़राब नहीं होने चाहिए. सो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल, काफ़ी इम्पोर्टेंट. इसमें जो भी मैं बोलूँगी, ये पूरा फर्स्ट पैराग्राफ है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था. ठीक है, ये आप लिख सकते हो, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ. ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश में क्या हुआ वायलेंस में, ये आपको पता होना चाहिए. एंड वो सारी डिटेल्स फर्स्ट पैरा में दी गई थी. सो बांग्लादेश वायलेंस के बारे में पूरा आपको आइडिया आ गया, अलॉन्ग विद एडिटर्स ओपिनियन कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, इंडिया को क्या करना चाहिए. ये पूरा आपको फर्स्ट एडिटोरियल में मैंने डिटेल में अच्छे से समझा दिया. आई होप आप सबको समझ में आया है. समझ में आया तो लाइक बटन हिट कर लो और बताओ कमेंट करके, यस मैम समझ में आया है. ओके, वीकली T20 टेस्ट का टाइमिंग आई थिंक 4 o'clock है बेटा. आई एम नॉट वेरी श्योर बट राशि एक बार चेक कर लेना ना एकेडमी पे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा ऑडिटोरियल है आज, द अदर क्वाड. सो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल रिलेशन है ही, 4 countries का ग्रुपिंग है क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड USA का, राइट. तो और एक क्वाड अभी बना है हमारा, हम बोलेंगे विच विल ऑल्सो रियली रियली हेल्प इंडिया इन मैनी वेज. ओके, सो अदर क्वाड, इंडिया मस्ट रिटेन स्ट्रॉन्ग टाइज विद ईरान एज इट सीक्स पार्टनरशिप विद US, इसराइल, UAE ब्लॉक. तो ये आर्टिकल में ये ओपिनियन दिया गया है कि इंडिया, US, इसराइल और UAE जब एक पार्टनरशिप कर रहे हैं, अनदर टाइप ऑफ क्वाड बना रहे हैं, तो इंडिया को अपने रिलेशन ईरान के साथ भी संभाल के रखने चाहिए. ठीक है, क्यों समझते हैं पूरे एडिटोरियल में, लेट इज अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. ओके, सो द वर्चुअल मीट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, वर्चुअल मीटिंग हुआ फॉरेन मिनिस्टर्स का इंडिया के USA के, इसराइल के और UAE के. इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन ऑफ चेंजेस इन वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स. तो एक बहुत बड़ा चेंज है वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स में, इंडिया, US, इसराइल एंड UAE का जो ये वर्चुअल मीट हुआ उसके बाद. If Israel and UAE did not even have formal diplomatic relations a year ago, their growing economic and strategic cooperation is opening up opportunities for other powers, including India. So, आज मतलब कुछ सालों से ही Israel और UAE ने अपने diplomatic relation चालू किए. Otherwise, they were like a close company कि खुद के countries में रहेंगे या उनके आजू बाजू की countries के साथ थोड़ा association trade वगैरह का रखेंगे. बाकी वो ज़्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ा नहीं रहे थे दूसरी कंट्री के साथ, UAE और इसराइल दोनों. ऑलमोस्ट सेवरल ईयर्स से उन्होंने चालू किया है, बट अभी उन लोग का जो एक ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन है, ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज ओपन करता है दूसरी कंट्रीज़ के लिए, इवन इंडिया के लिए. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर नाउ इज़ इन इसराइल, जॉइन द क्वाड्रिलेटरल कॉन्फ्रेंस आफ्टर मीटिंग हिज इसराइली काउंटर पार्ट गियर लिपिड. ओके, सो अभी हमारे मिनिस्टर एस जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, वो इसराइल में ही हैं और इसराइली काउंटर पार्ट गियर लिपिड को मिले, जहाँ उन्होंने अग्री किया टू लॉन्च टॉक्स फॉर अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. तो इसराइल और इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा, ये मैंने कल भी पढ़ाया था न्यूज़, तो उसके बारे में मिस्टर एस जयशंकर ने बात की वहाँ पे मिस्टर गियर लिपिड के साथ. द फोर नेशन मीटिंग ऑल्सो पॉइंट्स टू इंडियाज स्ट्रैटेजिक डिज़ायर टू अडॉप्ट अ रीजनल फॉरन पॉलिसी स्ट्रैटेजी टूवर्ड्स वेस्ट एशिया ट्रांसेंडिंग इट्स बायलैटरलिज्म. सो चार नेशन का ये जो मीटिंग हुआ, ये दिखा रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि इंडिया भी एक स्ट्रैटेजिक डिज़ायर रखता है रीजनल फॉरन पॉलिसी स्ट्रैटेजी इंडिया टूवर्ड्स वेस्ट एशिया बढ़ाने के लिए.
ठीक है। सो इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई, ये चार कंट्रीज ने जो मीटिंग किया है, वर्चुअल मीट हुआ है इनके फॉरेन मिनिस्टर्स का, इससे ये पता चलता है कि इंडिया का भी एक स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिकल डिज़ायर है टू ग्रो, टू अडॉप्ट रीजनल फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी। वेस्ट एशिया में भी उनको अपना रीजनल फॉरेन पॉलिसी बढ़ाना है। ट्रांसेंडिंग इट्स बायलेटरलिज्म, ओवर द ईयर्स इंडिया हैज़ बिल्ट वाइब्रेंट बायलेटरल टाइज विद ऑल द कंट्रीज इन इट्स ग्रुपिंग। इट्स अ मेंबर ऑफ क्वाड विद द यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, विच हैव कॉमन कंसर्न्स एंड शेयर्ड इंटरेस्ट ऑन ईस्ट एशिया। इसराइल इज़ वन ऑफ इंडियाज़ टॉप डिफेंस सप्लायर्स। सो अभी तक बायलेटरल टाइज इंडिया के काफ़ी रहे हैं, इवन क्वाड ग्रुपिंग का इंडिया मेंबर है, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में मेंशन किया, जैसे कि मतलब ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड इंडिया का, उसका ये ग्रुप का भी इंडिया पार्ट है। ओके अभी ये नया ग्रुपिंग भी इंडिया फॉर्म कर रहा है। ओके और ईस्ट एशिया के साथ भी इंडिया के, ईस्ट एशिया में भी काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं। इवन इसराइल के साथ इंडिया का अच्छा रिलेशन रहा है, इंडिया का सबसे टॉप डिफेंस सप्लायर है इसराइल, हम बोल सकते हैं। ठीक है, द यूएई इज़ वाइटल फॉर इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी। सो यूएई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। गल्फ कंट्री विच होस्ट मिलियंस ऑफ इंडियन वर्कर्स हैज़ ऑल्सो शोन इंटरेस्ट टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन स्मूथ करने में भी काफ़ी गल्फ कंट्रीज़ हेल्प करती है इंडिया को, क्योंकि काफ़ी इंडियन वर्कर्स गल्फ कंट्री में यू नो वर्किंग है वहाँ पे, वहाँ के इंडियन वर्कर्स हैं। सो इन द पास्ट देर वर थ्री पिलर्स टू इंडियाज़ वेस्ट एशिया पॉलिसी। तो इंडिया के जो वेस्ट एशिया पॉलिसी था, उसके तीन पिलर थे पास्ट में, सुन्नी गल्फ मोनार्कीज, इसराइल एंड ईरान, तीन पिलर्स थे। नाउ दैट गल्फ बिटवीन द सुन्नी किंगडम्स एंड इसराइल इज़ बीइंग नैरोड, तो ये जो सुन्नी किंगडम्स मतलब इसराइल और यूएई का गैप तो कम हो गया, मतलब वो लोग ऑलमोस्ट साथ में ही है, स्पेशली आफ्टर अब्राहम अकॉर्ड्स, उन दोनों वो कंट्रीज़ के बीच में अब्राहम अकॉर्ड्स जब भी हुआ इसराइल और यूएई के बीच में, तो नॉर्मलाइजेशन अग्रीमेंट साइन बिटवीन इसराइल एंड यूएई एंड बहरीन अंडर द ट्यूटलेज ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। सो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान ये अब्राहम अकॉर्ड्स हुआ था इसराइल, यूएई और बहरीन के बीच में, तो उसके लिए वजह से उनका तो रिलेशन अच्छा हो ही चुका है, करेक्ट। बट इंडिया फेसेस फ्यूअर चैलेंजेस टू अ रीजनलिस्ट अप्रोच, बट फिर भी अभी भी इंडिया काफ़ी रीजनलिस्ट अप्रोच में थोड़ी चैलेंजेस फेस करता है। मिस्टर जयशंकर हैज़ हिंटेड दैट देयर वुड बी मोर मीटिंग्स अमॉन्ग द फोर कंट्रीज। मिस्टर जयशंकर बोल रहे हैं कि और मीटिंग्स हम करेंगे चार कंट्री का, इसराइल, यूएई, यूएस एंड इंडिया का। वेल इट्स टू अर्ली टू स्पीक ऑफ द स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ सच अ ग्रुपिंग, इट्स टू अर्ली, क्या इंपॉर्टेंस होगा ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ये ग्रुपिंग का, ये अभी नहीं बता सकते इतना अर्ली स्टेज पे। बट देर आर एरियाज वेर इट कैन डीपन इट्स एंगेजमेंट, जैसे कि ट्रेड में, एनर्जीज, एनर्जी टाइज, फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, एनहांसिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी, ये सब में हेल्प हो सकता है। ओके मे बी, बट अभी इट्स टू अर्ली टू से ऑल दैट। इंडिया शुड ऑल्सो बी माइंडफुल ऑफ द चैलेंजेस इन द रीजन, ये रीजन में जो चैलेंजेस हैं इसको भी ध्यान रखना चाहिए इंडिया को। यू एस इज़ क्लियरली सीकिंग टू लेसन इट्स फुटप्रिंट हियर एज पार्ट ऑफ इट्स पाइवट टू ईस्ट एशिया टू टेकल चाइनाज राइज, विच इज़ रीड्रॉइंग वेस्ट एशियाज ट्रेडिशनल इक्वेशंस। सो यूएस तो क्लियरली ट्राई कर रहा है कि चाइना को ओवर पावर वहाँ पर ना होने दे, इसलिए एशिया में वो अपना फुटिंग अच्छा बढ़ा रहा है। इंडिया ऑल्सो शुड बी केयरफुल नॉट टू गेट सग्ड इन टू मैनी इन टू द मैनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईस्ट एशिया दैट कुड इंटेंसिफाई एंड ग्रोइंग रीजनल राइवलरीज। सो इंडिया को भी ये ध्यान रखना चाहिए वेस्ट एशिया में वो अपने राइवल्स कम बनाए, सबके साथ दोस्ती ज़्यादा रखें, तो ही बेटर होगा इंडिया के लिए भी। वेल द अब्राहम अकॉर्ड्स मेड इट ईजियर फॉर इंडिया टू फाइंड कॉमन ग्राउंड विद इसराइलीज एंड एमिरेट्स, द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन हिज इमर्जिंग ब्लॉक एंड ईरान रिमेन्स एज इंटेंस एज एवर। सो अब्राहम अकॉर्ड्स की वजह से इसराइल और यूएई के साथ तो आसानी से दोनों के साथ एक साथ रिलेशन रख सकता है, बट अभी ईरान के साथ रिलेशन साथ साथ में मेंटेन करना ये काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। इंडिया को ये ध्यान रखना चाहिए कि ईरान के साथ वो बिगाड़े नहीं अपना। एशिया, आई एम सो सॉरी,
India, which sees itself aligned with the US in the Indo-Pacific, faces deepening insecurity in continental Asia after American withdrawal from Afghanistan. So, अफगानिस्तान से जब से यूएसए ट्रूप्स चले गए और तालिबानीज ने कैप्चर कर लिया, उसके बाद एशिया के अंदर इंडिया को काफ़ी डर लग रहा है कि क्या होगा, राइट? इसलिए और फ्रेंड्स बनाने ज़रूरी है एंड इट विल हैव टू वर्क क्लोजली विद कंट्रीज सच एज ईरान टू डील विद द चैलेंजेस एमिनेटिंग फ्रॉम अ पोस्ट अमेरिकन अफगानिस्तान. तो आफ्टर अमेरिका लेफ्ट अफगानिस्तान, जो सिचुएशन है अफगानिस्तान का, इसमें ईरान के साथ इंडिया को अच्छे रिलेशन रखना बड़ा ज़रूरी है. सो द चैलेंज बिटवीन न्यू दिल्ली इज टू रिटेन अ हेल्दी रिलेशन विद ईरान इवन एज इट सीक्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर रीजनल पार्टनरशिप विद द यूएस इसराइल यूएई ब्लॉक. सो इवन दो यूएस इसराइल और यूएई के साथ अच्छा रिलेशन इंडिया भले रखे, बट ईरान के साथ भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखना इंडिया को ज़रूरी होगा. तो ये था आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिलेशन एडिटोरियल. काफ़ी इम्पॉर्टेंट था ये पूरा चीज़ भी, बड़ा अच्छे से ध्यान में रखना ये चीज़, ठीक है? इट वॉज डेफिनेटली वेरी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये हुए आपके दोनों एडिटोरियल्स. अगर आपको अच्छे लगे हैं, पूरे डिटेल में मैंने समझाया है, अच्छे लगे हैं तो लाइक बटन ज़रूर हिट करना. चलो, सबने किया है या नहीं लाइक बटन हिट, बोलो जल्दी से एंड कमेंट करो कैसा लगा है आपको एडिटोरियल. आसिफ आसिफ इज सिंह, एक बार शॉर्ट में बता दीजिए क्वाड वाला. अच्छा, ये क्वाड वाला क्या है? तो एक क्वाड ऑलरेडी है इंडिया का, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है? इंडो पैसिफिक के लिए खास ये ग्रुपिंग है. अभी ये सेकंड ग्रुपिंग जो है वेस्ट एशिया में इंडिया के भी रिलेशन बेटर करने के लिए, इसराइल, यूएई, यूएस और इंडिया का है. अभी यूएस तो इसलिए पार्ट ले रहा है कि चाइना को थोड़ा ओवर पावर ना होने दे एशिया में, और इंडिया को भी ज़रूरी है ये ग्रुपिंग के साथ अच्छे से रहना. बट इधर खास ये बताया है कि भले ये ग्रुपिंग तुम बनाओ, बट ईरान के साथ रिलेशन नहीं बिगाड़ने हैं, अच्छे ही हमेशा रखने चाहिए इंडिया को, क्योंकि अफगानिस्तान में जो हालत है अभी, तो उसमें ईरान एक है जो इंडिया को बड़ा हेल्प कर सकता है, क्योंकि इंडिया को डेफिनेटली इनसिक्योरिटी है, इंडिया पे अटैक्स बहुत सारे अफगानिस्तान से हो सकते हैं. तो ऐसे टाइम पे ईरान के साथ रिलेशन नहीं बिगाड़ने चाहिए, ये बताया आसिफ. ओके, सबको समझ गया? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब होता है हम जिनके साथ ट्रेड बिजनेस करें गुड्स का सप्लाई वगैरह, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस कम हो, उसको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बोलते हैं. एमिरेट्स मतलब यूएई वालों को एमिरेट्स बोला जाता है, ठीक है? ओके एवरीवन, ऑलराइट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज चाइनीज पेट्रोलिंग स्लाइटली अप एन ईस्ट. तो चाइना वाले लोग एलओसी के पास, और इवन इंडिया वाले अभी एलओसी के पास, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो लद्दाख में है, दोनों लोग नज़दीक आते ही जा रहे हैं. एलएसी के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और पेट्रोलिंग यूनिट्स बना रहे हैं. तो चाइना और आगे आ गया ईस्ट के तरफ. वो वाला न्यूज़ नहीं करना है, ये हो चुका अपना, ठीक है, ये नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन, इंडिया रशिया फेस कॉमन थ्रेट्स फ्रॉम अफगानिस्तान. ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो सिर्फ इंडिया को डर नहीं है, आजू बाजू की सभी कंट्री को अफगानिस्तान से डर है. अभी इंडिया और रशिया दोनों कॉमन थ्रेट्स फेस कर रहा है अफगानिस्तान से. जो रशिया के एम्बेसडर है हमारे इंडिया से, जो रशिया में एम्बेसडर गए, वो कंफर्म कर रहे हैं एनएसए मीटिंग, ठीक है? सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का मीटिंग है, एनएसए मीटिंग, ठीक है? नवंबर में ये दिल्ली में होगा, ठीक है, जहाँ एनएसए ऑफ चाइना, पाकिस्तान भी इनवाइट किए जाएंगे. तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का मीटिंग होगा, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, ये ध्यान में रखिए. ये कभी होने वाला है, ये मीटिंग नवंबर में होने वाला है. नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है, ही मैट निहांग लीडर. सो निहांग लीडर कौन है? सो आपको बताया है सिंगू बॉर्डर में एक फार्मर ने दूसरे फार्मर को मार डाला फॉर डिसरिस्पेक्टिंग द होली बुक. सो जिसने मारा ना, वो निहांग सेक्ट, जो फार्मर्स में निहांग सेक्ट थे, उसके एक फार्मर ने दूसरे को मारा है, दूसरे सेक्ट के एक दलित फार्मर को मारा है. सो वो निहांग लीडर के साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने मीटिंग किया, ऐसा कांग्रेस का बोलना है. फोटोग्राफ्स भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर के विद बाबा अमन सिंह वायरल हुए हैं.
तो ऐसा ऑफिशियली बीजेपी ने नहीं बताया कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाके मिल के आए फार्मर्स को, बट कांग्रेस ये बता रही है और फोटोज वायरल कर रही है कि ये मीटिंग हुआ है। अभी पता चलेगा ऑफिशियली क्या हुआ है या नहीं। तो ये वाला हमारा अभी हम लोग ने जो एडिटोरियल में पढ़ा वो वाला न्यूज़, इंडिया इसराइल यूएई एंड यूएसए टू लॉन्च क्वाड फोरम। तो अभी हमने पढ़ा एक नया ग्रुपिंग इंडिया बना रहा है, इंडिया इसराइल यूएई और यूएस का, एंड ये काफ़ी फर्स्ट मीटिंग काफ़ी फ्रूटफुल रहा ऐसा मिस्टर एस जयशंकर ने डिक्लेयर किया है, आई मीन अनाउंस किया है और स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, सो इसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ पढ़ा। ये जो है एक इंटरव्यू हुआ है रॉनी येडिया क्लेन के साथ, शी इज यू नो एम्बेसडर, इसराइल की एम्बेसडर है ये। ओके, उनका इंटरव्यू किया गया एंड शी इज़ ऑल्सो सेइंग दैट द फोकस विल बी ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडिया और इसराइल का इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर फोकस हम करके रिलेशन और बेटर करेंगे, इसीलिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा है इकोनॉमिक पैसा बनाने के लिए, ट्रेड रिलेशन अच्छे करने के लिए। सो न्यूली फॉर्म्ड ग्रुप जो है विल टू फोकस ऑन ट्रेड रादर देन स्ट्रैटेजिक टाइज, बोल रहे हैं ट्रेड पे ज़्यादा फोकस होगा स्ट्रैटेजिक टाइज पे नहीं, सी इज इसराइल एक्टिंग एम्बेसडर। तो ये उन्होंने बोला है, एक समरी जैसा दिया। आप लोगों को टाइम मिले तो ये एक इंटरव्यू एक बार ज़रूर रीड करिएगा, मैं रीड लिख रही हूँ इधर, काफ़ी हेल्प करेगा समझने में अबाउट द न्यू ग्रुपिंग। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन न्यूज़ से है, ये भी लिखनी है आपको, स्टार मार्क कर रही हूँ और ये मैं ये भी लिख लेना गाइस, ये वाला न्यूज़ भी लिखना, स्टार मार्क कर रही हूँ, नोट्स बनाना उसका। सो नॉर्थ कोरिया फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सियोल सेज दिस। सो सियोल मतलब आपको पता है ना कहाँ का कैपिटल है सबको, सो साउथ कोरिया का जो कैपिटल है सियोल, उनकी मिलिट्री ने डिक्लेयर किया कि नॉर्थ कोरिया ने फायर किया था बैलिस्टिक मिसाइल, टेस्ट फायर किया है। दिस लॉन्च कम्स एज द इंटेलिजेंस चीफ्स ऑफ द यूएस, साउथ कोरिया एंड जापान मीट इन सियोल। तो सियोल में जापान, साउथ कोरिया और यूएस के इंटेलिजेंस चीफ का मीटिंग हुआ और तभी ये बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया। सो सियोल ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये अभी ये टाइम पे इन्होंने टेस्ट किया है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान में रखना। इसराइल क्लियर रेसिडेंसी फॉर पैलेस्टाइनियंस, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग न्यूज़ गाइस। सो पैलेस्टाइनियंस मतलब इसराइल और पैलेस्टाइनियंस के बीच में हमेशा से ऐसा रहा है रिलेशन, बट पैलेस्टाइनियंस के लिए रेसिडेंसी अलाउ कर रहे हैं अभी इसराइल, क्लियर कर रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी बिग न्यूज़। सो गैन सेज रजिस्ट्रेशन फॉर 4,000 ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हमने ओपन किए हैं 2009 के बाद, पहली बार 11-12 साल के बाद पहली बार ये किया है उन्होंने, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे 4,000 लोगों के लिए ओपन किया है रेसिडेंशिप। पोलिश पीएम, पोलैंड के जो पीएम है उनका क्लैश हुआ है यूरोपियन यूनियन के चीफ के साथ, वो सुप्रीमेसी ऑफ ब्लॉक्स लॉज। तो यूरोपियन यूनियन वैसे भी थोड़ा उनके स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं, वो मानते हैं कि उनके लॉज आर लाइक सुप्रीम देन एनी अदर कंट्रीज लॉज। ओके, और हर कंट्री को वो लॉज फॉलो करने ही है नो मैटर व्हाट। सो पोलिश पीएम का क्लैश हो गया ये चीज़ के बारे में यूरोपियन यूनियन के साथ कि हर बात में आप लोग यू नो ब्लैकमेल एंड पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड नहीं दिखा सकते हो, यूरोपियन यूनियन ऐसे नहीं दिखा सकते, ऐसा उन्होंने बोला। सो ये थोड़ा क्लैश चल रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ। टर्किश प्रेसिडेंट प्रॉमिसेस विन विन पैक्ट्स विद अफ्रीका, दिस इज ऑल्सो वेरी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, स्टार मार्क कर यू गाइज। सो टर्की के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक पैक्ट किया अफ्रीका के साथ और बोला है कि ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद पैक्ट होगा। ही स्लैम्स द वेस्ट फॉर इग्नोरिंग कॉल्स फॉर चेंज ऑन द कॉन्टिनेंट। सो वेस्ट के साइड से वेस्ट कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज मतलब यूएसए एंड जो बेसिकली अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दे आर इग्नोरिंग सम चेंजेस टू बी मेड इन कॉन्टिनेंट, उस पर इग्नोर कर रहे हैं। तो टर्की बोल रहा है कि हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग जो अफ्रीका के को हेल्प करना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए पैक्ट्स कर रहे हैं अभी अफ्रीका के साथ, और इट इज़ गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम, बोथ द कंट्रीज लाइक टर्की के लिए और अफ्रीका दोनों के लिए वो अच्छा होगा। ठीक है,
See, we as a Turkey attach great importance and value to our close cooperation with the continent of Africa. He told business leaders in Luanda on Monday evening, according to a statement from his AK party. ठीक है, so ये ध्यान में रखना है, बस just head as a headline, not much in detail. And yeah, हमारे business news और sports news में आज कुछ खास important नहीं है. So आज के दिन के almost सारे important news मैंने cover कर लिए हैं. I hope guys this session was helpful to everyone. अगर अच्छा लगा है तो like button जरूर hit करना and comment करके बताना मेरी video कैसी लगी, मेरी session कैसी लगी. ठीक है, and before going, before you guys leave, रिमाइंड करवा दूँ, आफ्टरनून 2 to 3 यू हैव दिस क्लास, स्टैटिक जीके क्विज. मैं स्टैटिक जीके का क्विज कराऊंगी, बिल्कुल फ्री वाली क्लास है, स्पेशल क्लास मतलब एकदम फ्री वाली क्लास, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे है. दोपहर को 2 से 3 बजे स्टैटिक जीके का क्विज, जरूर आइएगा गाइस. बाय बाय.